व्हाइट कलर का रैबिट है, इसको बोला जाता है न्यूजीलैंड व्हाइट। अच्छा ये न्यूजीलैंड व्हाइट है, ये तुरंत आज का ही रैबिट है। अरे भाई आज के रैबिट है, देख आज पैदा हुए हैं ये बच्चे, तकरीबन 10-12 दिन का बच्चा है ये। अरे क्या बात है, तो अरे वाओ 27 दिन तक सर कह रहे हैं, देखना कितना मदर के पास रहेगा 27 दिन तक। वाओ, और 27 दिन पे ये ऐसे, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ से पानी आ रहा निकल के, ये मतलब क्या रहता है। जी जी, उस सभी बिजनेस को देख करके हमारे पास आता है कि यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल। सो आज का जो व्लॉग है बेसिकली बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि थंबनेल देखे आप समझ गए होंगे, क्योंकि आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो बहुत बहुत ज्यादा कम लोगों ने दिखाया है, वो है रैबिट फार्मिंग कैसे की जाती है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी पुलकित भाई रैबिट का एक व्लॉग बनाओ, हॉर्स का व्लॉग बनाने के बाद आपने कहा रैबिट का, तो चलिए आज रैबिट फार्म दिखा के आते हैं और दिखाते हैं कि रैबिट जो है बेसिकली उसको कैसे रखा जाता है और उनका क्या किया जाता है। तो हर एक चीज़ जो है आज इस व्लॉग में कवर होगी, एंड मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड हाँ, आप सभी एक चीज़ भूल चुके हैं कि मेरा एक 100K का गिव अवे आया था चैनल पे, वो गिव अवे का जो टास्क है वो अब तक आपने पूरा ही नहीं किया है। तो यार मैं और विराज कैसे आपको जो है 15,000 से 20,000 के स्निकर्स गिफ्ट कर पाएंगे, तो मेक श्योर वो वीडियो जो है आई बटन में आ रही है। और आपको उसमें सिंपली क्या करना है, मुझको विराज को और वीजी किंग को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, जिसके जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए वहाँ पे हमें फॉलो कीजिए एंड गिव अवे का पार्टिसिपेट करिए। और गिव अवे में जब आप पार्टिसिपेट कर लेंगे, तो जैसे ही मेरे और विराज के 10,000 इंस्टाग्राम फॉलोवर होंगे, हम रिजल्ट निकाल देंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। 2 hours later. फिलहाल जो है हम आ चुके हैं यहाँ पर पैराडाइज रैबिट फार्म प्राइवेट लिमिटेड में, और ये जो है मुझे बहुत दूर पड़ गया, और आज जो है यशकृत साथ में आया है। अभी फिलहाल जो है अंदर की तरफ, अंदर चलते हैं रैबिट फार्म में, और मैं चलिए फार्म के अंदर चलते हैं। अरे क्या बात है यार, तो कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर, आपका शुभ नाम क्या है? मैं राजेश कुमार। जी जी, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट जींद। जी सर, मैं हमने ये एनिमल हाउस अपना लगाया हुआ है। क्या बात है, जो कि पिछले 15 साल से हम लोग इस फील्ड के अंदर हैं। वाह 15 साल, क्या बात है। क्या होता है कि एक किसान जब काम करना चाहता है तो वो अलग अलग बिजनेस को डिफाइन करता है, कि जैसे उसको पोल्ट्री करना है या कोई गोट फार्म करना है या डेयरी फार्म करना है। जी, तो जी। उसके साथ ये खरगोश फार्म भी है। ओके ओके ओके, तो वो खरगोश फार्म को जब डिसाइड करता है तो इसमें और अदर बिजनेस में क्या रहता है। जी जी, उस सभी बिजनेस को देख करके हमारे पास आता है कि उन बिजनेसों में उसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और रिस्क फैक्टर ज्यादा है। हमारे बिजनेस में ऐसा नहीं है। ओके ओके, हमारे बिजनेस में एक तो रिस्क फैक्टर नहीं है बिल्कुल भी, दूसरा कि इन्वेस्टमेंट उसकी बहुत मिनिमम है, तीसरा कि आज के टाइम के हिसाब को देखते हुए जगह जो कि चाहिए रैबिट फार्मिंग के लिए बहुत ही कम जगह चाहिए। ओके, और उसके बावजूद भी कम जगह में भी आप बहुत ज़्यादा कैसे उसको करेंगे, लेयर सिस्टम में भी आप इसका काम कर सकते हैं। अच्छा, तो इस तरीके से हम दूसरे बिजनेसों के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास क्लाइंट ज़्यादा आता है और दूसरे बिजनेसों के अकॉर्डिंग प्रॉफिटेबल ज़्यादा है। ओके, क्या बात है। अच्छा सर, जैसे मैंने, हमने बचपन से ये चीज़ पढ़ी है कि रैबिट जो है, रैबिट को ज़मीन में खड्डे बना के ऐसे कुछ ब्रीडिंग करते हैं, तो ये इनमें भी कुछ ऐसा ही ब्रीडिंग के टाइम ऐसे कुछ होता है या कैसे? देखिए ये रैबिट डिफरेंट है, ये रैबिट है आपका ब्रेलर हाइब्रिड रैबिट। ओके, जिस रैबिट की आप बात कर रहे हैं वो वाइल्ड लाइफ के अंडर आता है रैबिट। ओके, जिसको जंगली रैबिट हम लोग बोलते हैं। क्या बात है। तो सर वैसे हम बिजनेस के बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम एक एक करके रैबिट देखते हैं। तो सर जैसे इसमें अब यहाँ पे कुछ अलग कलर के रैबिट है और वहाँ पे सारे व्हाइट कलर के रैबिट है, तो उसका क्या कोई पर्पस है या कोई अलग ब्रीड से है वो? हाँ देखिए, इसके अंदर टोटल 6 ब्रीड्स होती हैं। ओके, 6 की 6 ब्रीड को बोलते हैं अपन ब्रेलर हाइब्रिड रैबिट। ठीक है, जिसमें कि जैसे आप ये एक फोटो दिखाया आपने, इसको बोलते हैं ग्रे जाइंट। ओके, एक ये थोड़ा आपके आगे है, इसको बोलते हैं शोबियस चिंचला। अच्छा, उधर पूरा ये न्यूजीलैंड व्हाइट रैबिट है। अच्छा, न्यूजीलैंड व्हाइट। ये ब्लैक रैबिट है। हाँ हाँ, ब्लैक जेंट बोलते हैं इसको। ओके, और इसी में एक डच रैबिट आता है, यहाँ आप देखिए इसको डच रैबिट बोलते हैं। ओके, एक ब्रीड होती है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के क्या होते हैं कि कान बिल्कुल ब्लैक होते हैं और बाकी पूरा रैबिट सफ़ेद रहता है। अच्छा, वैसे मैं बता दूं सर का यूट्यूब चैनल भी है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सर को भी सब्सक्राइब कर लो, जिनको इस बिज़नेस के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए कि ये चीज़ें क्या होती हैं। हर एक चीज़ सर ने ब्रीफिंग अपनी वीडियोज़ में बनाई हुई है। फीमेल जो रैबिट है 1 साल के अंदर 6 से 8 बार बच्चे दे देती है। अच्छा, और एक बार में 2 बच्चों से लेकर 12 बच्चे तक देने की क्षमता रखती है। क्या बात है। लेकिन हम जो कैलकुलेशन कराते हैं फार्मर को, वो 5 बच्चों की एक रैबिट, एक फीमेल से 5 बच्चों की एक एवरेज आती है, कोई 2 भी देगी, कोई 4 भी देगी, कोई ये छोटा बच्चा है, ये
ये छोटा बच्चा है सर, इनको जो है बेसिकली पालने में, जैसे आप फार्मिंग में बता रहे हैं, कितना का एक्सपेंस लग जाता है, कितना का खर्चा आ जाता है? देखिए, ये बच्चा जब भी पैदा हुआ था हमारे पास, 3 महीने का ये रैबिट है, इसका तकरीबन 2 kg के आसपास बॉडी वेट है। ओके। तो इसको खर्च करने के लिए, इसके ऊपर टोटल खर्च क्या आया हमारा, 4 kg इसने दाना खाया है और 25 kg इसने हरा चारा खाया है। ओके। 25 kg जो हरे चारे की कॉस्ट हम मानते हैं, 2 रुपए kg के हिसाब से 50 रुपए का ये ग्रीन खा गया है। ओके। और फीड की जो बात करें, 4 kg इसने फीड खाया है तो 25 रुपए kg के हिसाब से फीड आता है हमारे पास, 100 रुपए का फीड लग गया हमारा। टोटल 150 रुपए इस रैबिट को 2 किलो में तैयार करने के लिए हमारा खर्च आया। 80 रुपए खर्चा और मानते हैं हम लोग, जो हमारे पास लेबर काम करती है, इसके अलावा इसके मदर हैं, फादर हैं, कुछ मेडिसिन एक्सपेंस है, तो तकरीबन 230 रुपए में एक रैबिट हमारा फुल रेडी होता है। क्या बात। और 500 रुपए का एक रैबिट हमारा 250 रुपए केजी के हिसाब से फार्मर का बिकता है जी। अच्छा, ये बच्चे तकरीबन 10-12 दिन का बच्चा है ये। अरे क्या बात है। तो अरे वाओ, इस प्रकार से बच्चे रहते हैं मदर्स के साथ 27 दिन तक। सर कह रहे हैं देखना कितना, ये मदर के पास रहेगा 27 दिन तक। वाओ। और 27 दिन पे ये अपना बॉडी वेट 500 ग्राम के आसपास कर लेता है। क्या बात है, कितने प्यारे हैं देख सकते हैं आप। एक वो दिखाना सर, वो जो है, अरे ये देखो दोनों एक जैसे हैं। तो इनमें मेल फीमेल का कोई वो होता है? अभी 27 दिन के बाद हम कंफर्म कर पाएंगे जी इसको। अच्छा, 27 दिन से पहले सेक्शन नहीं करते हम लोग इसकी। ये देखो यार कितने प्यारे हैं बनी। अरे 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 बस 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 बस, बहुत ज्यादा क्यूट है। तो सर वैसे इसको परिवार में अगर कोई मतलब एज कोई देख रहा है, कोई चाहता है कि इसको एज अ पेट रखना, तो ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, कोई अपना घर पर यही वाली ब्रीड पॉसिबल है, बिकॉज इसको मिट्टी का ज्यादा नहीं होता ना? नहीं, इसमें मिट्टी का नहीं, ये रैबिट जो रहता है बिल्कुल क्लीन रैबिट रहता है, साफ सुथरा रैबिट रहता है। तो आप इसका घर पे भी केज वगैरह बना के आप रख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, एक शौक के तौर पे। तो ये देखिए, ये ना जैसे निप्पल से पानी पी रहा है, आप देख सकते हो, ये देखो। तो ये कुछ वैसा ही सिस्टम है जैसे थोड़े टाइम पहले मैं एक पोल्ट्री फार्म की बनाई थी, वो भी चूंच मार के ऐसे पानी पीते थे, तो ये निप्पल सिस्टम है। तो इसमें क्या निप्पल सिस्टम कैसे है सर ये? देखिए, निप्पल सिस्टम जो रहता है, तो हमने इसको टंकी से उधर से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एनिमल हाउस ज़्यादा बड़ा है, तो लड़का बार बार पानी डालने में इन चीज़ों में बड़ा टाइम वेस्टेज होता है। बिल्कुल। टाइम को सेव कैसे किया जाए? अभी जैसे ये निप्पल हमने लगाई हुई है, तो टंकी से कनेक्ट किया हुआ, सुबह टंकी भर देते हैं हम लोग, तो इसी के जरिए पूरा पानी चला जाता है। ये ऐसे इसके अलावा ये फीड का ऑप्शन है, फीड इसमें बाहर से ही डल जाता है। बिल्कुल। और भविष्य में अभी विद इन मंथ या विद इन 2 मंथ में हम एक केज का सिस्टम बना रहे हैं। अभी तो केज का हमने ढक्कन खोल के इसके अंदर से ग्रीन डालना पड़ता है। हाँ। अभी हम लोग इसको गहरा कर रहे हैं, इसको बीच में एक वी टाइप में बना रहे हैं, ताकि बीच में एक बार ग्रास डाल दिया तो आपको ग्रास डालने की भी बार बार की टेंशन अलग अलग नहीं डालनी पड़ेगी। तो रैबिट फार्मिंग में आप मॉर्निंग में 1 घंटा भी दे देंगे तो उससे भी आपका काम। ये देखो, ये ऐसे मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ से पानी आ रहा निकल के, ये मतलब हल्का सा पुश करने से, पुश करते ही इसमें से पानी निकल कर आ जाता है। क्या बात है, ये बहुत सही है। और ये देखो ये कैसे घूम रहे हैं, ये वाइट और ये ग्रे कलर में है, ये मुझे ग्रे कलर वाला ज़्यादा मस्त लग रहा है, और ये वाइट रेड आइज है इसकी, देखो। तो चलिए, और भी बहुत सारे हैं यहाँ पर, एक सेक्शन और है फार्म का, तो वो वाला सेक्शन जाकर देखते हैं। तो मुझे तो बड़े प्यारे लग रहे हैं ये। तो इनमें ये इनकी बड़े वालों की कितनी एज होगी सर? इसकी तकरीबन 1 साल एज हो चुकी है। और इनके लाइफ स्पैन कितना है वैसे? जीने का 8 से 9 साल होता है, बच्चे देने का 5 साल होता है। क्या बात है, 8 से 9 साल तो हैं, जीते हैं इन्होंने जो है। आप देख सकते हैं अपना एक यहाँ पर रूम बना रखा है, और उधर साइड में गार्डन है, और सारी तरफ जो है पूरा एक रेस्ट हाउस है। ओके ओके। तो जो बाहर से लोग हमारे पास आते हैं किसी भी स्टेट के लिए, इसके रात को उसको रुकना पड़ता है, या कोई हम होटल सुविधा उसके लिए नहीं कराते हैं, पूरा हमारे पास कुकिंग प्रोसेस यही है। तो ये गाड़ी का भी आप बता रहे हैं? गाड़ी जो है हमारी, आप देख रहे हैं, तो ये पूरा हम एक इसमें ट्रांसपोर्ट करते हैं। अच्छा जी। तो ये देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ी है। तो ये फिलहाल यहाँ पे हम दूसरे सेक्शन में आए हैं इनके। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे भैया रैबिट बाहर निकाले, और ये व्हाइट कलर का रैबिट है, इसको बोला जाता है न्यूजीलैंड व्हाइट। अच्छा, ये न्यूजीलैंड व्हाइट है, तो क्या न्यूजीलैंड पोर्ट है इसकी वजह से? बिल्कुल। ओके, तो ये इसका जो ओरिजिन है वो न्यूजीलैंड में, और रेड कलर के, और ये बहुत ज्यादा मेरे बहुत ज्यादा कॉमन है ना ये? बिल्कुल, ये सेल मतलब लोग घर पे भी जो रखते हैं वो व्हाइट कलर का रैबिट ही ज्यादा मेरे हिसाब से रखते होंगे। और मुझे सबसे ज्यादा पसंद है पर्सनली वो ग्रे कलर का एक रैबिट वहां पर है, वो बोलते हैं शोबी चिंचोला। अच्छा, इंडियन है ये? नहीं, बाहर की ब्रीड से ये। अच्छा, डालेंगे आजा। और ये बहुत फास्ट होते हैं, वैसे भी रैबिट फास्ट तो होते ही है, बट देखो सैम के आप ऐसे बैठ जाते हैं। हाँ, अभी बिल्कुल न्यू बॉर्न रैबिट दिखाता हूँ मैं आपको। अरे भाई ये खोलना सर, फ्लैश लाइट जलाता हूँ, देखो ये तुरंत आज का ही रैबिट है। अरे भाई आज के रैबिट है, देख आज पैदा हुए हैं।
ओह माय गॉड, ये देखना क्या बात है, कितने 5 है ना टोटल सर ये। ये देखो 5 रैबिट है, कैसे आराम से सोए पड़े हैं। ये मैं आपको असली बताऊं, इतने से हैं, देखो इतने से रैबिट हैं। वाओ, CPCSE से हम लोग रजिस्टर्ड हैं और गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं उसी के हिसाब से हम लोग कंप्लीट काम करते हैं। तो ये बेसिकली जो है गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, तो आप जो है इनका सारा कुछ वेबसाइट वगैरह भी सर आपके राइट? कंप्लीट वेबसाइट है, आपको हम कुछ लोग डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखा देंगे, वो भी आप अपनी वीडियो पे अपलोड करिएगा। तो वेबसाइट है www.paradiserabbitfarm.com के नाम से। इसके अलावा फेसबुक भी है हमारी पैराडाइज के नाम से, आपका इंस्टाग्राम भी है, यूट्यूब चैनल्स भी है। तो सारा जो है आप बेसिकली मैं इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस बेसिकली यही था कि रैबिट एक एनिमल भी है और इस एनिमल के ऊपर जो है फार्मिंग कैसे की जा रही है, और अगर कोई एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है इस चीज़ से रिलेटेड और उसको अच्छे वे में बिना किसी एनिमल को हार्म किए साफ सुथरा बिजनेस और अच्छी इनकम के साथ कैसे कर सकते हैं, तो मेरा मोटिव यही था। और इसी बहाने मैंने जो है क्यूट क्यूट से रैबिट भी देख लिए। तो चलिए सर अभी हम ऑफिस में चलते हैं सर के, और सर के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो दिखाते हैं। तो फिलहाल जो है सर के ऑफिस में आए हैं, तो सर का जो है सर ने बेसिकली सारा ऑफिस जो है बना रखा है यहाँ पर। और सर आप मुझे थोड़ा अपने सर्टिफिकेट्स के बारे में बताइए, आप जब मुझे स्टार्टिंग में बता रहे थे कि कुछ जो है आपके पास बिल्कुल गवर्नमेंट अप्रूव, जैसे आप देख सकते हैं जगह का है, ये है आपका ICR का, जिसमें कि ये ब्रेलर रैबिट लिखा हुआ है कि किस किस ब्रीड्स को आप पाल सकते हैं इंडिया के अंदर। ओके ओके, वो पूरे डिफाइन यहाँ किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूजीलैंड, हाँ बिल्कुल ये देख सकते हैं, ये पूरा लिखा हुआ है। इसके अलावा हम लोगों की एक एथिकल कमेटी है, ठीक है, CPCSE मिनिस्ट्री, ठीक है जी, ये पूरा एक मतलब हमारे ने मतलब बकायदा प्रॉपर एक सिस्टमेटिक काम किया हुआ है, CPCSE अप्रूव्ड है, ISO सर्टिफाइड कंपनी है हमारी, क्या बात है, ठीक है सर, लीगल तरीके से हमने काम किया हुआ है, क्या बात है, और गवर्नमेंट के पूरे नॉर्म्स हमने कंप्लीट किए हुए हैं। तो मैं सर का आपका ब्रोशर दिखा देता हूँ, तो वैसे इसमें भी आप जो है नंबर देख सकते हैं, और ये सर का पूरा लोकेशन के हिसाब से सब कुछ ब्रोशर में दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले ले, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आप पढ़ सकते हैं। और सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो आप कुछ बता रहे थे कि इसमें टोटल जो एक्सपेंस है एक बिजनेस स्टार्ट करें, तो टोटल बिजनेस स्टार्ट करने में कितना एक्सपेंस आ जाता है? देखिए इसमें क्या है, 3 से 3.5 लाख रुपए के तो रेबिट आते हैं। ओके, 3,20,000 रुपए का सबसे छोटा प्रोजेक्ट है हमारे पास। इसके अलावा 1 लाख से 1.25 लाख या 1.5 लाख मैक्सिमम उसके सेट के ऊपर खर्च आता है। ओके, जो कि एक 10 यूनिट का, 10 यूनिट बोले तो 7 फीमेल + 3 मेल, इसको 1 यूनिट बोलते हैं, जिसमें की 70 फीमेल और 30 मेल का एक 10 यूनिट का सबसे छोटा प्रोजेक्ट होता है। okay, okay. तो हम लोग उस प्रोजेक्ट को जब देते हैं तो 3,20,000 रुपए फार्मर से चार्ज करते हैं। उसमें एनिमल है, आपका पिंजरा है, वाटर निप्पल है, ट्रांसपोर्ट है, 2 दिन की ट्रेनिंग है हमारी, भारत सरकार से मंजूर शुदा लीगल पेपर है, वापिस खरीदने का एग्रीमेंट है, बाय बैक जिसको हम लोग बोलते हैं, 250 रुपए केजी के हिसाब से हम लोग बाय बैक करते हैं। तो ये पूरी फार्मर को मतलब हम न्यूट्रल करके छोड़ देते हैं कि उसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ पालन पोषण करना है और बाकी का काम हमारा रहता है। क्या बात है, बहुत सही। तो ये एक मतलब 3 से 5 लाख रुपए के बीच में फार्मर का खर्च आता है। तो उस बिजनेस के हिसाब से तकरीबन जो हम एक कैलकुलेशन करते हैं प्रॉफिट की, 30 से 40 हजार रुपए महीने का एक उसका बड़े नाना करते उसको प्रॉफिट निकल। बहुत सही। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और मेरे हाथ में जो है रैबिट नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, पीछे कोई एक ऐसी चीज है जो मैं अपने घर पर लेकर जा रहा हूँ। सो उसके लिए आप मेक श्योर अगला ब्लॉग देखें, और अगले ब्लॉग में मैं बहुत सारी चीजें जो है यहाँ की फार्म की इंटरेस्टिंग है वो भी दिखाने वाला हूँ। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। मेहनत का रोग मुबारक, दिल से है शुक्रिया, जो खड़े थे साथ मेरे 2-4 लोग, उन सभी का दिल से है।